मॉल जाके शॉपिंग करने का, मतलब आई वॉज वेटिंग फॉर दिस। ओके एंड पार्किंग लॉट में काफी गाड़ियां है एक्चुअली, काफी लोग है। देखो गाड़ा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया। मॉर्निंग व्हाट्स अप, मैं हूं अन्वेषा। आज शूट करेंगे एक ब्लॉग, अ डे इन माय लाइफ ब्लॉग। टुडे इज संडे एंड आई एम शूटिंग इट। टुडे इज ऑफिशियली फ्रेंडशिप डे, सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे एवरीबॉडी। फ्रेंडशिप डे, वांट अ फ्रेंडशिप विद मी। शूट कर रही हूँ आज, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगी डे, इसलिए मैंने सोचा कि ब्लॉग करते हैं। ए बी इस फेस्टिवल का टाइम है, कल राखी है, यस्टरडे वॉज ईद, सो एवरीवेयर अराउंड इंडिया अराउंड द कंट्री इट्स फेस्टिवल एंड सीजन ऑफ जॉय प्रॉस्पेरिटी सक्सेस। इस मुश्किल घड़ी में, पैंडेमिक के सिचुएशन में, आई रियली रियली होप कि भगवान आप लोगों को खुश रखे, स्वस्थ रखे एंड हेल्थ दे, प्रॉस्पेरिटी दे, सक्सेस दे एंड मेंटली स्ट्रांग रखे। सो मैंने सुबह के मॉर्निंग रूटीन सब कर लिया अपना, अभी हम ब्रेकफास्ट बना ले फटाफट। वैसे तो यहाँ पर हमारी सोसाइटी में माई हाउस हेल्प एंड एवरीथिंग हैज बीन अलाउड एंड दे डू कम, बट आज उनका छुट्टी है। लाइक सो आई एम गोइंग टू मेक अ ब्रेकफास्ट, वेरी क्विक हेल्दी बट टेस्टी ब्रेकफास्ट। इट्स गोइंग टू बी सैंडविच, प्रोटीन सैंडविच कह सकते हो आप इसको एक तरह से। आई हैव डन इज आई एम बॉइलिंग टू एग्स एंड वन आलू। एंड यस गाइज, आप आलू ले सकते हो, आई नो इट्स कार्बोहाइड्रेट बट यू कैन कंज्यूम आलू इन योर फिटनेस जर्नी और वेट लॉस जर्नी। सो एनीवे वी हैव टेकन दिस एंड सैंडविच कैसे बनाते हैं फटाफट देख लेते हैं। आज का पीओए ये है कि वी आर गोइंग टू गो टूडे फाइनली टू द मॉल एंड मिड्स मॉल जाएंगे, क्योंकि गुड़गांव में सिचुएशन इज मच बेटर, सो द गवर्नमेंट हैज ओपन स्टफ हियर एंड काफी टाइम से ओपन है। और हमने आज सोचा कि चलो बहुत टाइम हो गया, 4 महीने हो गए, चलो चलते हैं एम्बियंस मॉल को, देखते हैं क्या सिचुएशन है, कुछ खरीद लेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि जारा में बहुत अच्छा सेल चल रहा है। सो वी लुक एट दैट एंड या आई एम जस्ट एक्साइटेड। एंड मुझे नहीं पता आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो, अगर मुझे किसी भी सिटी से देख रहे हो जहाँ पर बहुत रेड अलर्ट है एंड नो द सिचुएशन इज स्टिल वेरी वेरी, कोविड केसेस आर वेरी वेरी हाई एंड सिचुएशन इज Not that great. I really hope and pray कि आपके सिटी में भी बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए एंड आप लोगों को भी जल्दी लॉकडाउन से छुटकारा मिल जाए। जिम तो ऑल्सो ओपनिंग वेरी सून, I'll take you around and we'll see कि क्या सिचुएशन है, I'll show you everything. तो अभी के लिए फटाफट कर लेते हैं ब्रेकफास्ट एंड देन लेट मी टेक यू थ्रू द डे। ओके सो मेरा ये आलू, एक आलू बॉयल हो गया है, I'm going to now just some green chilies. अच्छे से मैश करना है। Your hand, you can use some spoon or something like this. This is some chaat masala that I've added. I'm going to add some black pepper powder. एक एक teaspoon will be enough, not more than that. Now see, the mixture is ready. Okay, so now I'm going to take this and अच्छे से I'm going to spread it on the. मैंने butter लगाया हुआ है, ठीक है? It's optional. Butter लगाना नहीं लगाना ये optional है. मैं इससे एक सैंडविच के लिए ले रही हूँ, बट आई विल मेक अनदर वन बिकॉज उत्सव नाउ ऑल्सो वॉन्ट्स टू ईट इट, तो मैं ये थोड़ा सा उत्सव के लिए भी रख रही हूँ दूसरे सैंडविच के लिए। सो दिस कैन बी डन फॉर 2 सैंडविचेस और 1, डिपेंड करता है, अगर पार्टनर अचानक आके कहे कि खाना है तो फिर तो देना ही पड़ेगा, शेयर करना ही पड़ेगा। क्या करूँगी, अंडे को जस्ट छोटे छोटे पीसेस में से काट के, जस्ट रैंडम, ओके, इम्प्रॉम्प्टू, नथिंग फैंसी, बटर लगाया हुआ है, दैट्स इट, दैट्स रेडी। नाउ दिस इज व्हीट ब्रेड, व्हीट ब्रेड आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, सेव यू फ्रॉम द मैदा ब्रेड, यू कैन ऑल्सो हैव इट इन मल्टी ग्रेन ब्रेड। ओके ओके, नाउ आई एम मेकिंग द सेकेंड वन फॉर माई सेल्फ, इट्स अ वेरी वेरी फिलिंग एंड वेरी टेस्टी डिश, यू कैन हैव इट, आई लव बॉइल्ड एग, शो यू दैट दिस इज समथिंग दैट यू कैन हैव। सी, 2 रेडी, इतने से सामान है, 2 अंडा एंड 1 आलू। Your breakfast sandwich is ready. Please try this. Bahut tasty. After breakfast, I had a nice fulfilling breakfast. Also, Utsav cousin sister sent across this really cute Rakhi gift mug and a pretty Rakhi. So, अभी हो गया ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट सब कुछ खत्म, अभी रेडी होना है, रेडी होके फिर हम लोग जाएंगे मॉल घूमने। बाय द वे, हालांकि उत्सव की बहन ने राखी भेजी है, बट राखी उसके हाथों में मुझे ही टाई करनी पड़ी, मुझे ही बांधनी पड़ी है, बिकॉज कोविड है, कौन आएगा घर, कोई आ नहीं रहा है, कहीं हम जा नहीं रहे, तो फिर घर की बातें घर के अंदर ही। सो
अगर आप में से कोई ऐसी बीवी हो जिसको इस कोविड में ऐसा करना पड़ा कि अब उनकी बहन ने भेजी है राखी, यू हैड टू टाई इट, सो डू कमेंट, लेट मी नो। वैसे इंस्टाग्राम में मैंने जब डाली थी बहुत लोगों ने उसको कहा कि हाँ हमने भी किया, सेम किया है एंड ऑल दैट। तो चलो मैं अभी मैंने सुबह फेस वॉश कर लिया था ना, आई एम यूजिंग द मामा अर्थ बाय बाय ब्लेमिश फेस क्रीम। ये काफ़ी पुरानी एक क्रीम है, इसमें मलबरी एक्सट्रैक्ट और विटामिन सी है। इट्स बीन इन माई वैनिटी फॉर क्लोज टू 2 years नाउ। मैं ऑन एंड ऑफ इसको यूज करती हूँ, आई कीप गोइंग बैक टू इट वेन एवर आई फील माई स्किन इज अ लिटिल अनइवन लग रहा है, थोड़ा सा ब्लेमिशेस दूर करने के लिए। सो ये है कंसिस्टेंसी और इसको मैं लगा रही हूँ आज, बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट, इवन पीटा सर्टिफाइड क्रुएल्टी प्रोडक्ट। सो आई टेक इन अ जेनरस अमाउंट, स्मेल्स वेरी नाइस, यू कैन यूज इट इन मॉर्निंग ऑल्सो एट नाइट। नाउ दैट आई एम गोइंग आउट, मैंने ये लगाया हुआ है, विटामिन सी है इसमें तो पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में थोड़ा हेल्प करता है। इसके बाद मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी एंड ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, मॉल जा रही हूँ, बट मैं अच्छा सा ड्रेस ऑफकोर्स मैं डालूंगी इसके ऊपर अभी, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सी हाउ इंस्टेंटली इट ब्राइटन्स अप योर फेस, लाइक जस्ट लाइक दैट, यू नो, दैट इज वाई इट हैज ऑलवेज बीन माई वैनिटी। ये एक्चुअली मेरा सेकेंड बॉटल है, और सेकेंड नहीं यार, ये थर्ड होगा, हाँ 2 साल हो गए ये। तो इसमें मिनरल ऑयल एंड पैराबेन फ्री है, बायो एक्टिव है, इट्स सूटेबल एक्चुअली फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड अगेन इट्स एन इंडियन ब्रांड, हैशटैग वोकल फॉर लोकल। सो या यू कैन ऑल्सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैं एज यूजुअल मामाअर्थ के वेबसाइट के एंड सब लिंक डाल दूंगी। डिस्काउंट कोड भी आपको पता है, अन्वेषा 2020 फॉर 20% ऑफ, विच यू कैन डेफिनेटली यू शुड अवेल फॉर एनी प्रोडक्ट दैट यू परचेज ऑन मामाअर्थ, लाइक अमेजॉन फ्लिपकार्ट में आपको मिल ही जाएगी। मैं और भी थोड़ा सा लगाती हूँ उसको, ओके। बट हर साल पता है राखी जब होती है ना, मेरे दिमाग में ये ख्याल हमेशा आती है, मेरी एक छोटी बहन है, मैं 2 साल छोटी है मुझसे, अभी कलकत्ता में रहती है मम्मी पापा के साथ। मैं हमेशा सोचती हूँ यार, हमारे सोसाइटी में कल्चर में भाइयों के लिए बहुत कुछ है, दैट्स एवरीथिंग फॉर ब्रदर्स, हाँ, मेरे बहनों का कोई फेस्टिवल नहीं है। तो हर साल मैं राखी में ये मैं प्लेज लेती हूँ कि मैं बहन को कॉल करूँ, हम दोनों बातें करते हैं, आई गिव सेंडर सम गिफ्ट्स, क्योंकि मैं इससे छोटी है। अगर आपकी बहन है तो उनके साथ भी आप राखी मनाएं, एक दूसरे का रक्षा हम लोग भी करते हैं, नो डिफरेंस बिटवीन जेंडर्स एनीमोर, दिस इज ऑफकोर्स 2020 एंड नॉट 1920। सो या आई थिंक इसका कुछ होना चाहिए, है कि नहीं, आप लोग बताओ कमेंट करके कि आप लोग कौन कौन बहने हो और आपको सीरियसली यू थिंक दैट आप बहनों के लिए भी ऐसा कोई फेस्टिवल होना चाहिए। चलो खैर, मैं अभी सबसे पहले फटाफट अपना सनस्क्रीन लगाती हूँ और एक ड्रेस जो पहनूंगी वो पहन के फिर मैं आके यहाँ पर आपसे बात करती हूँ। बहुत कुछ ताम झाम करने के बाद आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू वेयर दिस ड्रेस, द ड्रेस आई शो यू जब मैं पहनूंगी ये। उसके साथ मैं पहनने वाली हूँ ये इयर रिंग्स, दीज इयर रिंग्स मेरे काफ़ी प्यारे पर पुराने हैं, हम लोग जब दुबई में रहते थे तब हमने वहाँ से खरीदा था। एंड द ड्रेस इज फ्रॉम शीन एंड ये बैग, आई बी कैरिंग दिस बैग दैट उत्सव गॉट फॉर मी फ्रॉम US। आपने ऐसा लग रहा है, मैं सीरियसली बताऊँ, मैं मॉल जा रही हूँ एम्बियंस मॉल, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या, मतलब मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रहा है इतने दिनों बाद मॉल जाके शॉपिंग करने का, मतलब कोरोना के बाद पैंडेमिक में, इट्स लाइक आई वॉज वेटिंग फॉर दिस, ओके। एंड पता नहीं मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली मैं जा रही हूँ। आई डोंट नो कि आप लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, या होगा जब आप मॉल फिर से जाओगे। आई एम जस्ट सो एक्साइटेड फॉर डूइंग दिस, यू नो, ओके लेट मी गेट बैक टू यू नाउ। ओके सो आई एम रेडी टू गो एंड हिट द मॉल, एम्बियंस मॉल जा रहे हैं एंड देखते हैं क्या सीन है, संडे है, नो लिपस्टिक ऑल्सो, क्योंकि मास्क के ढक जाएगी, लिपस्टिक फिर ट्रांसफर हो जाती है मास्क में, मेक्स नो पॉइंट, तो मैं लिपस्टिक नहीं डालूंगी, आई हैव जस्ट पुट सम आईलाइनर एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट आई एम डूइंग, एंड ऑफकोर्स बाल खोल लिए हैं क्योंकि। चलो चलते हैं एंड आई शो यू द ड्रेस ऑल्सो इन अ वाइल। सो दिस इज द ड्रेस दैट आई एम वेयरिंग, दिस ड्रेस इज फ्रॉम शीन, तो अभी तो बैंड है अनफॉर्चुनेटली, द बेल्ट इज ऑल्सो फ्रॉम शीन, द ऐप इज बैंड सो यू कांट फाइंड इट, बट इट्स अ वेरी नाइस समरी फ्लोरली लवली फ्लोरल ड्रेस, अ कॉटन मटीरियल। चलो अभी हम रेडी फॉर द संडे मॉल हॉपिंग, अनलॉक फेज 3 है, गुड़गांव में थिंग्स आर मच मच बेटर, आई एम होपिंग टू फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल देयर, लेट्स सी।
बेसिकली दे चेक आर टेम्परेचर ऐसे एंटर करते वक्त इन द पार्किंग लॉट, एंड उन्होंने चेक किया कि आरोग्य सेतु ऐप है कि नहीं, एंड सैनिटाइजर गाड़ी को सैनिटाइज भी कर दिया, सो दे आर ऑल वेयरिंग मास्क, एंड ऑफ कोर्स व्हेन आई एंटर द मॉल आई विल बी वेयरिंग माय मास्क, दैट्स गुड। पार्किंग लॉट में काफी गाड़ियां है एक्चुअली, आई विल शो यू राइट, वेट, देयर आर एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव कम, काफी लोग आए हैं। व्हेन वी वर एंटरिंग दे अगेन चेक्ड आवर ऐप एंड सैनिटाइज किया आरोग्य सेतु ऐप, काफी लोग थे, बहुत क्यू टू एंटर बेसिकली, एवरीथिंग इज ओपन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली, काफी लोग हैं, देखो काफी लोग हैं। एंड काफ़ी अच्छी सेल थी। अभी हम लोग आए सिनेमन में, आंटी को जाने देते हैं, अभी हम यहाँ पर सिनेमन में आए हैं और अभी हम ऑर्डर फॉर वन सिनेमन रोल एंड मी एंड ऑल्सो वी शेयर इट, आई एम सो एक्साइटेड टू सी पीपल एंड सी सो मेनी पीपल एक्चुअली एंजॉइंग द संडे फाइनली, बिकॉज कंडीशन इन गोवा इज वे बेटर एंड इज इम्प्रूविंग, सो इट्स गुड टू सी पीपल एप, we're going to enjoy this, we're going to share this actually, share and eat one, that's okay, it. Okay guys, show, okay guys, so my baba ne, okay guys, so my shopping is done, we are done doing our shopping in lockdown, after post lockdown, unlock phase 3, now we are going back home, we did it was good, it was nice to see people, it was nice to grab stuff at a good discount at Zara. Normal days पर ये नहीं होता है, but I think बहुत जगह पर हर एक shop में almost discount थी, and every shop was open, every like people are in full bloom open their shops, and हाँ धीरे धीरे people will start coming, अभी start हुआ है as you can see, precautions लेके बाहर आइए अगर आप बाहर आ रहे हैं तो, अगर गुड़गांव में है तो फिर तो it's okay, मुझे नहीं पता आप कहाँ से किस शहर से मुझे देख रहे हो वहाँ पर कोरोना का सिचुएशन कैसे है, सो प्लीज टेक केयर इफ यू कमिंग, कम विद प्रिकॉशन, टेक योर सैनिटाइजर, कैरी योर मास्क, ओके, एंड ऑल्सो इफ यू यूज द वॉशरूम कैरी योर टॉयलेट सीट सैनिटाइजर दैट आई कैरी दीज डेज। दिस इज माई बैग फ्रॉम या क्या क्या लिया है, उस सब ने भी मॉल से दो टी शर्ट उठाई, एक बैटमैन का, एक पिंक फ्लॉयड का, एंड द ऑल द स्टफ्स जो मैंने देख पहन के दिखाया था, स्टफ्स दैट आई परचेज, दीज टॉप्स, दिस ड्रेस, अमेजिंग ड्रेस, दिस स्कर्ट एंड दिस रियली नाइस फ्लोरल प्रिंटेड पैंट्स, ज़ारा से मिला है, बहुत सस्ता है मिला है, अगर आप लोग परचेज करने का भी सोच रहे हो, दिस इज द टाइम यू शुड गो टू द मॉल एंड गेट होल्ड ऑफ इट, सो या आई सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर प्रोडक्ट डिटेल्स, आई लव यू गाइस, चेक आउट द वीडियोस हियर, बाय।